दोस्तों अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भूल कर भी ये गलतियां ना करें, नहीं तो हनुमान जी हो सकते हैं आपसे नाराज। श्री बजरंग बली का प्रिय रंग लाल है, ऐसे में पूजा के दौरान उनकी पसंद का पूरा ध्यान रखें। कहने का तात्पर्य श्री हनुमान जी के लाल रंग के फूल कपड़े आदि अर्पित करें। श्री हनुमान जी की पूजा काले या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर ना करें, ऐसा करने से आपकी पूजा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। श्री हनुमान जी की पूजा में लाल और पीले रंग के कपड़ों का ही प्रयोग करें। श्री बजरंगबली काफ़ी शांत प्रिय देवता माने जाते हैं, इसलिए उनकी आराधना बड़े ही शांत मन से करनी चाहिए। यदि आपका मन अशांत है या फिर आपको किसी बात पर क्रोध आ रहा है तो ऐसे में हनुमान जी की पूजा ना करें। अशांत मन से की गई पूजा से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते हैं। साथ ही श्री हनुमान जी पूजन के दौरान गलत विचारों की ओर भी अपना मन न भटकने। बहुत ही कम लोगों को इस बात का ज्ञान है कि हनुमान जी को पूजा में चरण अमृत का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही श्री बजरंगबली की खंडित अथवा टूटी हुई मूर्ति की पूजा करना भी वर्जित है। मांस मदिरा का सेवन करने के पश्चात भी ना श्री हनुमान जी के मंदिर जाएं और ना ही उनकी पूजा करें। श्री हनुमान जी जितने बलशाली देवता हैं उतना ही शांत उनका व्यक्तित्व है। पूजा के दिन भूल कर भी क्रोध न करें, इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। पूरे दिन राम नाम 108 बार माला जपने से राम भक्त हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की साधना आराधना और व्रत रखने वाले व्यक्ति को मंगलवार या हनुमान जयंती के व्रत वाले दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि दान में दी गई वस्तु विशेष रूप से मिठाई का स्वयं ही सेवन ना करें। बहुत से लोग हनुमान चालीसा पढ़ते समय जमीन पर बैठ जाते हैं, लेकिन खाली पर्स पर बैठना गलत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बजरंग वार का पाठ हमेशा कोसा या ऊन के आसन पर बैठकर ही पढ़ना चाहिए, वरना पूजा का फल नहीं मिलता है। अगर आपने किसी रज स्फुला महिला को स्पर्श किया है या उसके दिए सामान का इस्तेमाल किया है और आपने बिना वस्त्र बदले बजरंग वार का पाठ किया है तो इससे हनुमान जी आपसे नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी हैं और स्त्री का साया उनकी पूजा के फल को कम कर सकता है। बजरंग वार के जाप का पूर्ण फल तभी मिलेगा जब भक्त लाल वस्त्र धारण करे, इसे पढ़े, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी का सबसे प्रिय रंग है। बहुत से लोग पूजा पाठ करते समय दूसरों को कोसते रहते हैं, मगर बजरंग वार का पाठ करते समय दूसरों के बारे में गलत सोचना आपकी भारी पड़ सकता है, इससे आपको अशुभ फल मिल सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करते समय हमेशा पहले ध्यान श्री रामचंद्र जी का करें, क्योंकि उनकी आराधना के बिना आपका पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल सकता। कई लोग मंदिर में जाके बजरंगवार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ऐसे में दीपक नहीं जलाते हैं, मगर मंत्र उच्चारण का फल तभी ही मिलता है जब दीपक जलाया गया हो। मनोकामना की पूर्ति के लिए श्री हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। बजरंग वाण का पाठ शत्रुओं से बचाता है, इसलिए इस मंत्र का जाप करने से पहले हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें, इससे पूजन का फल दुगना मिलेगा। पाठ करते समय कभी भी मांसाहारी भोजन ना करें, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचार का पालन करते हैं और सात्विक रहते हैं। ऐसे में नॉनवेज खाकर बजरंगवार और हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। तो हनुमान जी से संबंधित जो भी बातें हमने बताई है, इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और लगाओ खुद सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम आपके सामने आध्यात्मिक वीडियो हमेशा प्रस्तुत करते रहते हैं। जय श्री राम।